यहाँ पर फंक्शन हो रहा है मेरा ब्राइड टू बी का। जी हाँ, मैं बहुत जल्द दुल्हन बनने वाली हूँ, जिस वजह से मेरी बहन ने ये मिनी सा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था। सब कुछ जो आप देख रहे हो, इतना ब्यूटीफुली उसने ऑर्गेनाइज किया था, मैंने ये इमेजिन भी नहीं किया था। सारे ड्रेस और सब कुछ उसकी साइड से था, एंड आई एम रियली ग्लैड कि मुझे ऐसी सिस्टर्स मिली जो मेरे हर चीज़ में मेरा ख्याल रखती है। मेरी शादी को कुछ टाइम ही बाकी था, उससे पहले ये शूट कराना बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि आजकल हर लड़की शादी से पहले ब्राइड टू बी का शूट करवाती ही करवाती है। हमने बहुत शॉर्ट कराया था क्योंकि हमारे पास सच में बिल्कुल टाइम नहीं था। और सच बताऊँ, होता भी कैसे, क्योंकि सारे फंक्शन दुल्हन ही कर रही थी। आई मीन सारी प्रिपरेशन मेरे सर पर ही थी, इसीलिए ये शूट बहुत छोटा सा हुआ था, ये फंक्शन बहुत छोटा सा हुआ था। खैर, मेरे यहाँ पर सिस्टर इन लॉ भी थी, जो मेरी बहन जैसी ही है, मेरी बेस्ट फ्रेंड की तरह। वो भी आई थी इस फंक्शन को सेलिब्रेट करने, और आप देख सकते हो उस ड्रेस के बाद मेरी सिस्टर इन लॉ मेरे लिए वाइट कलर का गाउन लेकर आई थी, जो मैंने पहना। अब आप बताना कि दोनों में से कौन सी ड्रेस अच्छी लग रही है। आप देख सकते हो कितनी मेहनत कर रही थी मेरी ड्रेस को सेट करने में, और मेरा गूची बेटा भी कितना अच्छे से पोजेस दे रहा था मेरे साथ। खैर, ये शूट कराने में मज़ा आ गया था। रात के 12:30 बजे हमने ये शूट कराया, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। नेक्स्ट डे मेरी मेहंदी लगनी थी। जी हाँ, हमें जयपुर निकलना था। आप देख सकते हो दीदी ने ऑलरेडी मेहंदी लगाई हुई थी, सिर्फ ब्राइड ने मेहंदी नहीं लगाई थी, बाकी सब ने मेहंदी लगा रखी थी। खैर, यहाँ पर और भी दो लोग थे जो दीदी की फ्रेंड्स थे, हमने साथ में खूब सारा शूट किया। वेल, ये कोई पार्टी नहीं थी, ये सिर्फ एक शूट के लिए हमने सिर्फ ये डेकोरेशन करवाया था मेरी सिस्टर ने, ताकि ऐसा ना हो ब्राइड टू बी का शूट ना हो। तो आप देख सकते हो कितना फन था ये शूट, हर तरीके के स्टिकर से, ब्राइड स्कॉट, पता नहीं क्या क्या, और केक कितना सुंदर लग रहा था आप देख सकते हो। और मेरी ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट ज़रूर करना कॉमेंट में। आपने ये पिक्चर देखी होंगी जब मेरी शादी हुई थी। खैर, मेरी शादी को 6 महीने हो गए, लेकिन मैंने ये वीडियोज़ नहीं डाली है। अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी शादी की हर एक वीडियो आपके साथ शेयर करूं, तो कमेंट में मुझे रिप्लाई कर देना और बता देना कि आपको कौन कौन सी वीडियोस चाहिए। आप केक देख सकते हो, मेरी बहन ने कितना ब्यूटीफुल सा केक बनाया था। खैर, इस शूट में इतना ज़्यादा बिजी हो गए थे कि केक खाने का भी टाइम नहीं मिला था। फाइनली केक कट करने का तो टाइम मिला, तो मैंने बोला कि चलो अब फोन रख दो और केक कट करो। पता नहीं कौन सा फ़ोन चालू था और वीडियो बन रही थी और मैं पोजेस दिए जा रही थी, एक भी पिक्चर मुझे मिस नहीं करनी थी। क्यों ना हो भाई, मेरी शादी थी और शादी से पहले ये शूट कराना बहुत ज़रूरी होता है। आप लोगों ने कराया, जिनकी शादी हो गई है मुझे कमेंट से बताना। खैर, लखन ने तो ऐसा शूट नहीं कराया, सिर्फ मैंने ही कराया था। बहुत मज़ा आया था, सबका वेट कर रही थी कि कोई केक खाए, लेकिन किसी ने नहीं खाया, तो मैंने ही केक खा लिया। फिर एक एक करके मैंने सबको केक खिलाया, केक बहुत टेस्टी था वाकई में। और आप देख सकते हो सुधीर भी आ गया था केक खाने के लिए। अगर आपको मेरा ये मिनी व्लॉग अच्छा लगा है, कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ कल। शादी की वीडियो अब दिखाऊंगी आपको सबको। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।